तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के पिवट टेबल में, और पिवट टेबल में हम बात करेंगे स्लाइसर के ऊपर। जी हाँ, स्लाइसर मतलब कि हम बात करेंगे एक ग्राफिकल फिल्टर के बारे में, या फिर हम बात करेंगे कि एक ही पिवट पे, एक ही डेटा पे कई सारे पिवट, कई सारे एंगल से पिवट कैसे लें और उसको फिल्टर से आपस में कनेक्ट कैसे करें, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको देता हूं। तो मेरे सामने आपके दिख रहा है डेटा। जी हाँ, डेटा आपको दिख रहा होगा। अब मुझे क्या करना है कि इस डेटा पे पिवट लगानी है। तो चलिए, हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया पिवट एंड ओके, हमारा पिवट लग गया। तो मान लीजिए कि मैंने नेम वाइज यहां पे टोटल कॉल्स यहां पे निकाल लिया। अब यहां पे देखिए, यहां या क्वांटिटी मान लीजिए, हमने टोटल क्वांटिटी को यहां निकाल लिया। इसमें अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट भी हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन अमाउंट का सम होगा, एवरेज होगा। मान लीजिए अमाउंट, मान लीजिए एमआरपी है हमारा, अमाउंट जो है हमारा एमआरपी, तो हमने एमआरपी का क्या किया, एवरेज निकाल दिया। अब प्रॉब्लम है कि चलो ठीक है, अगर हमें विजिबिलिटी करना है एज ए टेबल, डेटा टेबल, तो ठीक है, लेकिन मुझे इसको अगर चार्ट में लेके जाना है। जी हाँ, चार्ट। तो अगर हम मान लीजिए इस पर चार्ट लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पे सिर्फ सेल्स दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगा, आपको यहाँ अमाउंट नहीं, अमाउंट का एवरेज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो ऐसा है पॉसिबिलिटी कि हम इसमें सेकेंडरी एक्सेस लगा दें। तो चलो सेकेंडरी एक्सेस, आपके पास दो कॉलम है तो लगा लेंगे, ऐसी तीन चार पांच कॉलम है कैसे लगाएंगे। सो मैं यहाँ पे अलग अलग चाहता हूँ, अलग अलग पिवट टेबल, मैं कि मैं एक पिवट टेबल चाहता हूं जिसमें मुझे नेम बाय टोटल क्वांटिटी का रिपोर्ट निकल जाए। फिर मैं दूसरा, मुझे नेम बाय एमआरपी का एवरेज चाहिए। ऐसी और भी अलग अलग एंगल से पिवट टेबल लगाना है। तो इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, सॉरी, यहां पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाते हैं, सीट पे आते हैं और इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं। उसके बाद मैंने यहां पे नेम को उठाया, यहां से यहां रखा, और यहां हमने अपना मान लीजिए अमाउंट रखा, और यहां अमाउंट का हमने एवरेज दे दिया, अमाउंट का एवरेज। अब यहां पे हम नेम और यहां पे हम देते हैं ए जी अमाउंट। उसके बाद ऐसे ही मुझे, अच्छा ये पिवट, तो बार बार हमें पिवट लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से जो बनी हुई पिवट है उसको कॉपी पेस्ट भी कर देंगे, एक नया पिवट यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब मैं इसको नेम वाइज नहीं, मैं इसको सेल्स मोड वाइज करना चाहता हूँ, सॉरी, इसमें अमाउंट का टोटल कॉस्ट देना चाहता हूं, टोटल कॉस्ट। फिर इसको वापस कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, और यहां हम सॉरी राइट क्लिक करके फिल लिस्ट, यहां हम सेल्स मोड बाय टोटल कॉल्स नहीं, यहां से हम अलग निकालना चाहते हैं, हम निकालते हैं यहां पे साइट बाय साइट, यहां रख देते हैं, और प्रोडक्ट, और यहां पे क्वांटिटी। तो चार रिपोर्ट्स हमने आपके सामने बनाए हुए हैं जिसे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल पिवट टेबल आप बना सकते हैं, एक ही डेटा से कई सारे पिवट टेबल अपने शीट पे बना सकते हैं। अब अगला पिवट की बात करें कि इस पे मान लीजिए मुझे फिल्टर लगाना है। जी हाँ, फिल्टर मैं चाहता हूं सेल्स मोड वाइज फिल्टर लगाना, सेल्स मोड वाइज फिल्टर या सिटी वाइज फिल्टर लगाना चाहता हूं। तो सिटी को अगर मैंने फिल्टर में रख दिया तो यहां आप देखेंगे कि मैं दिल्ली को सिलेक्ट किया, सिर्फ दिल्ली यहां पे आया।
इसी में आप देखेंगे कि मल्टीपल सिलेक्ट है, तो हमने दिल्ली या नोएडा सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मल्टीपल आ गया। तो इसमें हम इसकी है कि फिल्टर जो हम लगाते हैं इसमें मल्टीपल ले सकते हैं, कि फिल्टर के नीचे हमने प्रोडक्ट रख दिया, इसके नीचे नीचे मान लीजिए हम ये प्रोडक्ट यहाँ जाएगा, हाँ प्रोडक्ट यहाँ रख दिया, उसी तरह से हमारा सेल्स मोड हो गया। तो इस तरह से कई सारे फिल्टर दे दिए। तो अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया एक कॉलम, अब दिल्ली में मैंने मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर एस डी सिलेक्ट कर लिया तो एस डी का कोई डेटा ही नहीं है, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि दिल्ली में कौन कौन से प्रोडक्ट का डेटा है कौन से प्रोडक्ट का डेटा नहीं है। मैं जब तक कि उसको सिलेक्ट ना करूँ तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। एक प्रॉब्लम आपके सामने आ गए इस फिल्टर से। दूसरा फिल्टर हुआ, दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है आपको कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं अगर जो फिल्टर लगाया वो सिर्फ एक ही पिवट पे अप्लीकेबल, मैं चाहता हूँ कि सारे पिवट पे भी, मैं अगर मैंने सिटी दिल्ली सेलेक्ट किया जितने भी पिवट है सारे पे दिल्ली फिल्टर हो जाना चाहिए। तो यहाँ अभी फिलहाल क्या है, अभी मुझे एक एक करके सिटी को फिल्टर करना पड़ेगा, मुझे सिटी अगर मैंने यहाँ रख दिया तो फिर यहाँ जाके फिर सिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, दिल्ली तब जाके होगा। सो ऐसा हम नहीं चाहते, तो ऐसी चीजों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, स्लाइसर। तो स्लाइसर का यूज पता चल गया कि पहला यूज तो ये था कि हमारा एक ग्राफिकल इंटरफेस है जिसमें मुझे पता चल जाए कि किसमें अगर मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तो इसके बाकी और फिल्टर में क्या क्या है क्या नहीं है, और एक ही फिल्टर से 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे पिवट पे काम हो जाए। तो आपको इसके लिए यूज करना होगा स्लाइसर। जी हाँ, तो पिवट टेबल एनालाइज में हम जाते हैं स्लाइसर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से स्लाइसर हम सिलेक्ट करते हैं, जो जो जिस जिसको फिल्टर आपको करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, प्रोडक्ट वाइज करना है हमें, सिटी वाइज करना है, नेम टाइप सेल्स मोड वाइज करना है, चार हमने ले लिया, तो चार यहाँ से अलग अलग आ गए। अब इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए दिल्ली, तो आपको साफ दिख रहा है कि दिल्ली में सेल्स मोड अपलेटेड एंड ऑनलाइन ही है, प्रोडक्ट सीडी और रैम है और आईपी इंडिया और श्री कुमार दो साइड, बाकी जो आप देख रहे हैं जो ग्रे हाईलाइटेड नहीं है इसका मतलब है कि इसमें है ही नहीं। तो पहली प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो गई। अब हम बात करते हैं बाकियों की कि वहां हमारा हर एक पिवट इससे लिंक हो जाए, कि एक को फिल्टर करूं तो बाकी सारे फिल्टर हो जाए। ध्यान से देखिएगा सर, तो उसके लिए आपको हर पिवट पे क्लिक करना पड़ेगा, पिवट टेबल डिजाइन में जाके यहाँ आपको दिखेगा फिल्टर कनेक्शन। तो फिल्टर कनेक्शन में हम यहाँ पे जो भी स्लाइसर्स हमारे ऐड है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, अगेन जाइए फिल्टर कनेक्शन जितने स्लाइसर्स हैं उसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके, अगेन फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन जितने भी फिल्टर्स हैं उसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके। अब चारों फिल्टर को हमने कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूं तो चारों पिवट टेबल आप देखिए आपके सामने चेंज हो रहा है। अगर मैंने मान लीजिए आईपीटी इंडिया सेलेक्ट किया तो इसी हिसाब से हो रहा है। अब दूसरी चीज है, क्या इसको डैशबोर्ड की तरह डिफरेंट शीट पे निकाला जा सकता है? तो मैंने एक समरी शीट अलग बना लिया, ध्यान से देखिए सर, क्योंकि इस पर आपको प्रोजेक्ट देने वाला हूं मैं। फिर मैं 1 by 1 इस पे चार्ट इंसर्ट कर रहा हूं, चार्ट को कट करके मैं ले जाता हूं समरी शीट पर, इसको रखा, उसके बाद ये जो दिख रहा है इसको सम ऑफ द क्वांटिटी इसको आप हाइड कर सकते हैं, रिमूव मत कीजिएगा। उसके बाद पिवट टेबल में देखिए डिजाइन आपको दिख रहा होगा, यहां पे चार्ट के डिजाइन है, यहां पे चार्ट के डिजाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अगेन हम दूसरी पिवट टेबल को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, अब इसमें भी चार्ट हम लाइन चार्ट यही चार्ट सेम चार्ट यूज करते हैं, अगेन इसको कट करता हूं,
सॉरी इसको कट करता हूं और यहां इसको हम पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक, मैं इसकी हाइड कर देता हूं, फिर मैं डिजाइन में जाता हूं, अपने हिसाब से जो पिवट टेबल चाहिए वो पिवट टेबल मैंने गलू को सक किया सेलेक्ट कर। अगेन आता हूं तीसरे सीट में, इंसर्ट, यहां पे मैं इस पर पाई चार्ट लेता हूं, कट किया, समझी सीट पे गए और यहां इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। इसकी भी डिजाइन है, अगर आपको चेंज करना चाहे तो यहां से आप इसकी डिजाइन को चेंज कर, राइट क्लिक, हाइड बट फिल, एंड द लास्ट हमने इसको सिलेक्ट किया और हम चले गए इंसर्ट और इसमें हम इस बार ये ले लेते हैं। और इसको कट करते हैं, समरी में यहां पेस्ट कर देते हैं, राइट क्लिक, यहां से हाइड कर देते हैं, उसके बाद हम यहां डिजाइन पे जाते हैं और जो डिजाइन सुटेबल है, जो आपको पसंद है उस तरह के डिजाइन आप सेलेक्ट कर लें। ओके, ये हमारा डैशबोर्ड तैयार हो गया। अब मैं वापस जाता हूं, इन चारों स्लाइसेस को कट किया और समरी शीट पे ला दिया। अब देखिए, हमने चार्ट कट किया है, स्लाइसर कट किया है, लेकिन वो लिंक जो है हमारा उसी चार्ट से है, ऐसा नहीं कि लिंक चेंज हो गया है, जी नहीं, लिंक जो है हमारा उसी चार्ट से। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसको जैसे मुझे, अगर मैं स्लाइसर पर जाता हूं तो यहां इसकी अपनी सेटिंग है, अपना फॉर्मेट है, इसलिए मैंने कॉलम टू कर दिया, इसमें दो कॉलम आपको दिखेंगे। एंड यहां हमने तो सेलेक्ट कर दिया, और इसमें एक स्लाइसर के साथ साथ हमारे पास टाइमलाइन होता है, लेकिन टाइमलाइन के लिए डेटा में डेट होना चाहिए, डेट है ना, तो डेट के लिए आप टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया पिवट टेबल में, यहां देखिए इंसर्ट टाइमलाइन, तो सिर्फ डेट पे एप्लीकेबल होता है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मैं कट करता हूं और वापस इसमें समरी में ले जाता हूं, टाइमलाइन यहां डाल देता हूं। या फिर मैं इसको यहां डाल देता हूं और इसको ऊपर कर, लेकिन टाइमलाइन जो है कनेक्टेड नहीं है विजुअल से, तो वापस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिल्टर कनेक्शन, यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करके फिर पे गया, यहाँ आपका फिल्टर कनेक्शन, डेट को अगेन कलेक्ट सिलेक्ट कर दिया और फिर इस पे गया फिल्टर कनेक्शन और डेट को सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या होगा समरी में, अब मैं यहाँ पे सीडी सेलेक्ट किया तो मेरा पूरा चार्ट सीडी के अकॉर्डिंग आ गया। अगर मैंने सीडी और इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं माउस होल्ड करके, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे सितंबर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर, तो डैशबोर्ड की तरह हो गया कि नहीं सर? प्रवीण जी, जी सर, सुनना है आपको, अभी ये क्या है कि मैंने इसको था जल्दी जल्दी में बनाया है तो इस तरह से बना, लेकिन अगर आप टाइम लेके देखेंगे टाइटल वगैरह सिलेबस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें इसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं और इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डैशबोर्ड की बात करें
तो चलिए थोड़ा सा डैशबोर्ड बताता हूँ कैसे बनता है। हमने इसको थोड़ा सा इसको अच्छा करना पड़ेगा। पहले हमें फॉर्मेट बनाना चाहिए था और फिर इसको जो है स्लाइसर वगैरह इंसर्ट करना चाहिए था। हम थोड़ा गलत करें और थोड़ा सा इसको सर डेट को सबसे टॉप पे ले ले तो बढ़िया रहेगा। हाँ ये भी आपने सही बोला। थोड़ा सा यही है अरेंज करना होता है। अब जो बोले हैं कि मैंने जो खाली जगह इधर रखा हुआ है तो बेसिकली ये टोटलिंग के लिए था। तो हम यहाँ पे एक और पिवट इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और इसमें जो है हमारा टोटल ये आ जाएगा सेल। नहीं हटा देते हैं, टोटल क्वांटिटी की जगह पे हम लिखते हैं टोटल सेल, ठीक है।
फिर एक और पिवट हम यहाँ लगाते हैं, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं, टोटल सेल्स की जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे एवरेज एमआरपी अमाउंट यहाँ डालते हैं, और इसको यहाँ पे एवरेज यहाँ कर देते हैं, एवरेज अमाउंट नहीं, यहाँ हम कर देंगे एवरेज एमआरपी, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देगा। हाँ, तो वापस इसको कितने, इसमें कितने हैं, तीन का, 1 2 3 चार खाने हैं ना। अब इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा टोटल ग्रांट, टोटल यहाँ पे रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और एक लास्ट हो जाएगा हमारा टोटल कॉल, ठीक है, टोटल कॉल, ये टोटल ओवरऑल समरी हो जाएगी यहाँ पे, टोटल कीबोर्ड खराब हो गया क्या? और टोटल हाँ ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दीजिए, अच्छा सा, अब डायरेक्ट फॉर्मेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं डिजाइन में जाकर, ओके। अब इसको हम कॉपी करेंगे और पिवट पे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, यहां कर देंगे हम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, ठीक है, क्वांटिटी टोटल बाई क्यू टी वाई क्वांटिटी, ठीक है, फिर और सेम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम कर देते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, इसके आगे टाइटल लिखना है तो इसके आगे टाइटल लिख दीजिए, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, ठीक है, पिक्चर लिंक, अच्छा बड़ा करना है छोटा करना है ये आप पे डिपेंड करता है, इसलिए पिक्चर ले रहे हैं ताकि हम अपने हिसाब से उसकी साइज मेंटेन करें, उससे नीचे वाला जो है उसमें कोई फर्क ना पड़े, पर हम लिंक भी कर सकते थे, ऐसे छोटा कर दिया तो छोटा एरिया में, सर ऊपर अगर टाइटल लिखना है तो आप अपने हिसाब से ऊपर टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद पेज लेआउट में जाइए, पेज लेआउट में, और यहाँ से ग्रिड लाइन को अनचेक कर दीजिए, ओके सर, ये अब हमारा डैशबोर्ड रेडी है। अब जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट मार्केटिंग में सिलेक्ट किया है तो टोटल मेरा इफेक्टेड हो रहा है, तो कि हमने लिंक तो नहीं किया क्या सर? इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने कॉपी किया था, तो जो ऑलरेडी लिंक है उसको कॉपी कीजिएगा तो स्लाइसर में लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप चाहते हैं कि वो पेज के साथ लिंक ना हो तो जाके वही फिल्टर कनेक्शन में लिंक को तोड़ दीजिए, ठीक है, एक समरी की तरह वर्क किया, और जो कि पूरी तरह से पिवट टेबल से बना हुआ रिपोर्ट है। अब आप भी जो है कुछ इसी तरह का डैशबोर्ड स्लाइसर के थ्रू पिवट टेबल से बना के मुझे भेजिए, ओके, क्योंकि ऑफिस में आपको इसी तरह से रिपोर्ट बना के भेजना होगा, अभी तक जो पिवट समझाया उसको उसको यूज करते हुए इसी तरह का रिपोर्ट बनाना होगा। तो अभी क्या है कि टाइम कम था तो हमने एक छोटा सा डमी बना दिया, बट इसकी रेफरेंस में लेके आप बाकी चीजों पे काम कीजिए, ओके। जी सर।